हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। इससे पहले मैं चार बार वो इंट्रो दे चुका हूँ, पता है, क्योंकि मेरे को वही बोला जा रहा है। गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, नेहा नहीं आज, तो फिलहाल अकेले ही करना पड़ रहा है मेरे को वीडियोज। उसको कुछ काम था, वो जल्दी चलेगी। मैं कहा आगे ऑफ है, इससे बढ़िया कि मैं ही वीडियोज़ बना लेता हूँ। अपने जो भी प्यारे भाई लोग सब्सक्राइबर्स हैं, अपने फैमिली है, उनको निराश नहीं कर सकते, क्योंकि आगे वीडियोज़ बहुत कम आ रही हैं। तो फिलहाल आज देखिएगा मोस्ट फनी इंटरव्यू ऑफ पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई, पाकिस्तान की अवाम भाई क्या ही बोले उनको। तो भाई सब बाकी इसको प्ले करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कॉमन सेंस है आप में? चेक कर लें क्या, बताओ। आहा, लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मग्गा। मग्गा। चले, उसके अलावा आपको कुछ आता है जो आप सुनाना चाहें? बहुत कुछ आता है, गालियाँ आती हैं। हाँ तो भाई, क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक हो गया आप सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की थी पाकिस्तानी फन इंटरव्यूज पर, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो का लाइक है हमें 500 लाइक। अगर आपने ये पूरा करा दिया तो हम इस सीरीज का पार्ट 3 बनाएंगे। यार उस वीडियो पर तो आपने 500 के बजाय 1100 से भी ज्यादा लाइक करा दिए, तो यार लव यू हो गया। तो इसी के साथ आपका भाई आज हाजिर है पाकिस्तानी फन इंटरव्यूज के पार्ट 3 के साथ। लड़की पसंद कर ली है? लड़की पसंद नहीं की, बढ़िया पसंद है मुझे। वो इंडियन फिल्मों में देखते हैं ना, काफी प्यारी होती है। पाकिस्तानी मुझे नहीं लगती इतनी प्यारी, आप अपने आप को ही देख लें। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो की सबसे पहली क्लिप में आप देखें कि इस बंदे को इंडिया में क्या अच्छा लगता है। अच्छा, इंडिया कैसा लगता है आपको? ना मोदी नहीं पसंद इंडिया। इंडिया के लोग भी अच्छे लगते हैं आप? ये की लड़कियां, ये की लड़के, लड़कियां अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, अब जरा आप इस वीडियो में देखें कि जब इस लड़के से सवाल किया गया कि शादी रिश्तेदारों में करनी चाहिए या बाहर करनी चाहिए, तो जरा आप इस लड़के का जवाब चेक करें। अच्छा मुझे बताओ कि शादी जो है रिश्तेदारों में करनी चाहिए या बाहर करनी चाहिए? बाहर करनी चाहिए। वजह? वजह है कि वो सारिया कश्मैलियां जी हो बार बार वेख के, एक बार वेखो किन्नी बार वेखी हो, बार बार उन्होंने वेखी हो, पहला बार भी तो मुंह मारे। तो आप देखें कि जब इस बाबे से सवाल किया जाता है कि अंकल ये आईफोन के लोगो पर चेक किसने मारा है, तो जरा आप इस बाबे का जवाब चेक करें। अंकल ये जो आईफोन का लोगो है, इस पे चेक किसने मारा है? चेक किसने मारा? हाँ। किसने मारा? तेरे बाप ने मारा। तो ये लड़की सामने वाली लड़की से सवाल पूछती है कि क्या आपकी एंगेजमेंट वगैरह हो गई है, तो वो कहती है नहीं। फिर ये पूछती है कि क्या वो थोड़ा बहुत रन मुरीद होना चाहिए, तो देखें फिर ये क्या कहती है। ये बताएं, आपकी कोई एंगेजमेंट वगैरह है? कोई लड़का? नहीं नहीं अभी नहीं, लेकिन वेरी सून थोड़ा बहुत रन मुरीद होना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों? वो जितना को मुझे चाहिए उतना मैं खुद बना लूंगी। तो दोस्तों, जहाँ तक इस लड़की का कहना है तो ये तो रन मुरीद बना लेगी ना, लेकिन ये जो बंदा आप देख रहे हैं ये तो 100% रन मुरीद है। आइए आपको बताते रन मुरीद कहता है। गाइस, जोरू का गुलाम बताना मुझे। आपको शर्म आनी चाहिए, आप सवाल किस तरह कर रही है? बेगम नहीं होती, बेगम पाक होती है, और बेगम जी का एक दरबार होता है, उनका एक मुकाम होता है, बेगम पाक कहना चाहिए। बेगम कहने वालों को मैं सख्त खिलाफ। तो दोस्तों, अब आप देखें कि जब इस लड़के से पूछा जाता है कि यार लोग ये बदतमीजियां करते हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स में अजीब सी बातें लिख देते हैं, तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने देखा हो कि सामने अजीब सी बात लिखी हो? तो आइए देखते हैं कि इस लड़के ने क्या लिखा हुआ देखा था। लोग ये बदतमीजियां करते हैं कि पब्लिक टॉयलेट में अजीब अजीब सी बातें लिख देते हैं, तो आप किसी ऐसे टॉयलेट में गए कि आपने देखा कि सामने अजीब सी चीज लिखी हो दीवार पे? टॉयलेट में बैठा होता, सामने दीवार पे लिखा हुआ था कि काश तू इतना जोर तालीम पे लगाता तो आज किसी अच्छे सीट पे बैठा होता। क्या सोच है तेरी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमजान के 3 अशर होते हैं, तो जब यही सवाल इस लड़के से किया जाता है कि आखिर वो कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं कि ये लड़का क्या जवाब देता है। रमजान में कितने अशर होते हैं? 3 अशर होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। और यार मुझे, जहाँ पर कराची मुझे लग रही है भाई, बहुत ज्यादा भूख, वेट नहीं हो रहा मेरे से, वीडियो खत्म होने का। ऐसे लड़के भी पाए जाते हैं जो कि कंफर्म जन्नती हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। मोबाइल वगैरह बहुत ज्यादा छीन रहे हैं। मालूम नहीं, ना तो हम मोबाइल रखते हैं, ना तो हमारे को मालूम है। कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्ची से कैसे बातें करते हो? बच्ची ही नहीं, हमारे घर वाले घर वालों से ही बातें करते हैं। तो यार जरा आप इस बंदे को देखें जो कि KFC आया होता है आइसक्रीम खाने के लिए, जहाँ पर इंटरव्यू के दौरान इससे सही तरीके से आइसक्रीम नहीं बोला जाता, तो बस फिर इंटरव्यू वाला भी इसकी इस बात की सही लस्सी बनाता है। लेकिन ना दी जड़ी आइसक्रीम है ना, ये बड़ी टैट ही। आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम। आइसक्रीम हो ये, आइसक्रीम चंगी टैट है। आइसक्रीम नहीं, आइस आइस। हाँ, ओ यस, आइसक्रीम आइसक्रीम ही कह रहा हूँ। ओह आहा,
और इस लड़के को भी देखें जो कि चौमिन खाने के लिए आया होता है, तो इस लड़की से भी देती है, तो फिर देखें ये क्या कहता है। ये अभी तो चौमिन खाने आया था। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? आपने खानी? नहीं, भूख नहीं है। थैंक यू, मेरे पैसे ही बच गए। और अब आप इस लड़के को देखें जो कि इंटरव्यू के दौरान गाना गा रहा होता है, लेकिन यार ना तो इसे गाने का सर आता है ना पाऊं, लेकिन फिर भी भाई साहब शुरू हो गए हैं। दामिना मिना जाय मंगड़े हुआ दिस टाइम फॉर अफ्रीका दिस इज स्टोरा लेकिन बाडो हेंगलले देंगे गोला बुदुर देंगे कलेंगे स्टार। यार सीरियसली इस बंदे की मिसाल वो वाली है कि जब आपको टेस्ट में आता तो कुछ ना हो, लेकिन आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों अब जरा आप इस वीडियो में देखें कि जब इस लड़के से पूछा जाता है कि शादी तुम फूफो के घर कराओगे या खाला के, तो ये कहता है कि नहीं भाई बाहर कराएंगे। आइए जरा वजह चेक करते हैं। शादी हुई भी है? नहीं अभी करवानी है। किसके फूफो के घर करानी है, खाला के घर? वैस ओबड़ो में। ओबड़ो में? ओबड़ो की वी ऑल फैमिली ने किसी और घर करानी, आदमी से नहीं करानी। क्यों वो मार दिया बढ़िया रे। ठीक है। तो यार ये लड़का इससे सिंधी में सवाल करता है कि कायद आजम कहाँ पैदा हुए हैं, तो देखें ये क्या जवाब देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उससे साहब को ये दसो कायद आजम कितना पैदा थी आज? कायद आजम अस्पताल ही पैदा थी, ये भी सारे घर पैदा थी। और अब आप देखें कि जब इस लड़की से सवाल किया जाता है कि मर्द बेवफा क्यों होते हैं, तो ये लड़की जो जवाब देती है इसे सुनकर तो जरूर आप भी हंस पड़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि मर्द बेवफा क्यों होते हैं? दिल बड़ा खुला है, ज्यादा कैपेसिटी है, आंदे वाला सीन होता है ना, इसलिए एक जान दे तो दूजे जान ही आंदे वाला है। और दोस्तों इस वीडियो में आप देखें कि यासिर शामी इस बंदे से कहता है कि चाचा जी हुकूमत जो है वो टिकटॉक बंद कर रही है, तो क्या ये ठीक है? तो चाचा जी को टिकटॉक के बारे में सही से नहीं पता होता है, तो देखें ये क्या जवाब देते हैं। चाचा जी टिकटॉक बंद कर रही है हुकूमत, आप बताएं ये ठीक है? टिकटॉक चलनी चाहिए। टिकटॉक ना चली देखिए रक्षे अग ला देंगे, बंद कर रक्षे बंद कर देंगे, साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल होगी, रोजी कमाना बहुत मुश्किल सानू। ये साथ कौन है? चांद पे जाने का मौका मिला आपको, अब चांद पे ऊपर जाके क्या करो? और दोस्तों जरूरी नहीं है कि सब लोग हमारे इन चाचा जी की तरह ही सादे हों, कुछ लोग इस बंदे की तरह भी होते हैं। तो देखें कि जब इनसे सवाल किया जाता है कि अगर आपको चांद पर जाने का मौका मिले तो आप ऊपर जाकर क्या करेंगे, तो आइए जरा इसका जवाब देखते हैं। चांद पे गए हो पहले? जी जी जी। कितनी बार गए? गए ये 10-8 दफा। ये 8-10 मरतबा गए हो? अभी भाई को भी ले जा रहा हूँ मैं। भाई को भी लेकर जा रहे हैं? तैयार है? नहीं जाएंगे भाई। एक चांद एक बंदे का नाम है, उधर जाना है। तुम क्या बोल रहे हो आसमान में? और दोस्तों आपने यूं तो बहुत सी शादियां देखी होंगी जिसमें ज्यादातर लड़के और लड़की की उम्र तकरीबन बराबर ही होती है, लेकिन यार जरा आप ये शादी चेक करें। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम रसूल साहब आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 साल। 60 साल। मुझे ये बताएं आप दोनों ने मोहब्बत की शादी की है? जी बिल्कुल इसी तरह। क्या बोला तूने? तो ये वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल के वो व्यूवर्स जिनकी उम्र 20 से 25 साल है उनका रिएक्शन, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और यार इस बंदे के साथ बड़ी कोई खतरनाक किस्म की वारदात पेश आई है भाई, लाखों का नुकसान हो गया यार इस बंदे का। तो चलिए जरा इस बंदे की कहानी इसी की जबानी सुनते हैं। जेल चौंक तो मैं बैठा चिंची थे, दो मुसाफिर बैठे सन, एक सज्जे दे खब्बे, एक ने गली लाया ते एक ने ना 11 सिगरेट मेरे चोरी कर लेने। ते कचहरी मैं लै गया वहां, मैं थाने भी गया वहां, ते भाई कोई ना मेरी कोई भी गल नहीं सुनता पिया। और दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये लड़का इस दालसे वाले से सवाल पूछता है कि यार ये लड़कियां इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों होती हैं, तो चलिए हम आपको इस दालसे वाले का जवाब सुनाते हैं। अच्छा ये लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? टमाटर ज्यादा खाती है सड़े हुए। यार क्या है। सो गाइज ये थी वीडियो आज की, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी, मज़ा आया भाई आज ना वीडियो देखने का, बहुत अमेजिंग वीडियो बनाई थी फन विद बादशाह यूट्यूब चैनल है भाई का। और भाई ने कहा था कि इनकी लास्ट जो इन्होंने जिस वीडियो में इन्होंने कहा था ना कि 500 लाइक हो जाएंगे मैं एक और पार्ट 3 बनाऊंगा, तो वैसे ही सेम मेरे भी अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाएंगे तो भी मैं एक और पार्ट बनाऊँ, मैं तो वैसे भी बनाऊंगा बट फिर मोर इंटरेस्टिंग, फिर मैं खुद क्लिप्स ढूंढ के लाऊंगा। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा होती है, एक वीडियो दूसरी होती है ना कि जो वो स्टेज पे कॉमेडी डबल मीनिंग वाली भाई है ना, आप सभी को पता होगा वो भी पाकिस्तान की है, वो हमें दिखती रहती है, सजेस्ट होती रहती है कि वो कबाड़ हम देख भी लेते हैं, आप सभी को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो डबल मीनिंग वाली है जो स्टेज पर होती है, जहाँ पर एक दो औरतें होती हैं और बड़े बड़े वो इंसान से होते, एक छोटा सा भी है। तो अगर आप कहोगे तो भाई इस पर भी रिएक्शन कर ही दूंगा भाई, मैं सोचता हूँ, बट भाई बहुत ज़्यादा फनी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है वो। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो और होप सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।